हम यहाँ पे बिहार पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, ई प्रोक्योरमेंट बिहार। साइड पहले अलग था, अभी साइड बदल चुका है। यहाँ पे ई प्रोक्योरमेंट 2 बोल के मिलता है आपको, याद रखेंगे आप ई प्रोक्योरमेंट 2। ये बिहार का भी नया साइट है, ई प्रोक्योरमेंट 2। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, थोड़ा जो बाकी वेबसाइट है इससे थोड़ा डिफरेंस, अलग प्लेटफॉर्म की तरह दिखता है पर प्रोसेस वैसा ही रहेगा। तो मुझे यहाँ पे यदि वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं यहाँ पे वेंडर का रजिस्ट्रेशन करूंगा, वेंडर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से वेंडर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, नया यदि करना है तो कंटिन्यू विद TRN, पहले यदि आपका कोई TRN नंबर है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसके साथ कर सकते हैं या लेगेसी से कर सकते हैं। तो मेरे पास, मुझे अभी बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन करना है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, इसको करेंगे कंटिन्यू। कंट्री कौन से कंट्री का है, इंडिया, यहाँ पे ये सभी डिटेल, जैसे कि टाइटल, मिस्टर आदित्य, मिडिल नेम कुछ है तो पंडित, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल यदि है, मैंडेटरी नहीं है तो आप डाल सकते, और यहाँ पे गेट ओटीपी, एक ओटीपी आपको आएगा ईमेल पे और मोबाइल दोनों पे डालो। अब इसका मुझे मोबाइल का मिला है और मैं इसका डालता हूँ, ये इसका ओटीपी है, तो हम लोगों ने डाल दिया, तो वैलिडेट कर दिया। अब यहाँ पे कंपनी का जीएसटी है क्या, है तो यस, जीएसटी नंबर, वैलिडेट लिया, ये वैलिडेट, ये पेन कार्ड ऑटोमेटिकली जीएसटी से ले लिया इन लोगों ने। कंपनी का नाम भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन, ये मेरा कंपनी का नाम। बिजनेस टाइप, कैसी कंपनी है आपकी, जॉइंट वेंचर है, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो मेरा प्रोप्राइटरशिप। यदि आपकी कंपनी आलर्स में कुछ आता है तो आप अदर डालें। कंपनी का वेबसाइट मैंडेटरी नहीं है, है तो डाल सकते, जैसे मेरा वेबसाइट है तो मैं डाल देता हूँ, आपकी वेबसाइट नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं डाल के भी छोड़ सकते। ये हमारा कंपनी का वेबसाइट है, तो हम इसको वेबसाइट को कॉपी करते हैं और ये मेरा वेबसाइट डाल देते हैं, ये मेरा कंपनी का वेबसाइट। एड्रेस प्रॉपर, सिटी जो भी सिटी होगा, स्टेट महाराष्ट्र, जिप कोड, फोन नंबर, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको सबमिट कर दिया, सेव, योर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। इसके बाद आएगा नेक्स्ट बैंक डिटेल्स, यहां से आपको बैंक डिटेल्स डालना है, ऐड बैंक होल्डर नेम, बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर, और IFSC कोड को ऐड कर देंगे, ये मेरा बैंक डिटेल्स ऐड हो गए। उसके बाद पेमेंट, यहाँ पे आपको
पेमेंट के लिए पे नाउ बोल रहा है, कुछ आपको यहाँ पे पेमेंट लगेगा, ये बाकी के पोर्टल्स को कोई पेमेंट नहीं है, इसको 1180 रुपया इसके लिए पेमेंट है। ये आप 1111080 पेमेंट कर देंगे, ये आपका वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद आपको इसके लिए पोर्टल का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये आपका बिहार का वेबसाइट का नॉर्म्स है। बाकी जैसे कि दूसरे जो भी साइट्स है जैसे प्रोक्योरमेंट, इसको कोई भी पैसा नहीं लगता। यहाँ पे आपको 11 क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी साइट से आप पेमेंट करके यहाँ से जैसे पे कर देंगे आपका क्लियर हो जाएगा, और बाद में आप उनको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ये प्रोसीजर है ई प्रोक्योरमेंट बिहार के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन।